नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मुफ्ती तारिक मसूद थग लाइफ कंपाइलेशन पार्ट वन। दोस्तों की जैसा आपको पता है कि हमने इनके पार्ट टू और पार्ट थ्री पे भी वीडियो बनाई है और आपने बहुत सारा प्यार दिया है। हाँ। तो हमारी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को भी बहुत प्यार दोगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। एक हकीम साहब थे, हर एक को कीड़ों की दवा देते थे। वो जो भी आता ना हकीम साहब, भाई कीड़ों की दवा, पेट में दर्द है कीड़ों की दवा, हर एक को क्या दे रहे हैं कीड़ों की दवा। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई, हकीम साहब के पास लेकर हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोग कहने यार कीड़ों से क्या ताल्लुक है, हड्डी टूटी है। हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था दरख्त पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ क्या, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं, बहुत तेज रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखो लड़कियां ऐसे ही नहीं मरती बिला वजह, और शक्ल वगल देख के आजकल कोई भी लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के हम पे मरे हैं तो जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बॉडी बॉडी बॉडी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बहुत वायरल हुआ था भाई, सब बिल्ड कर रहे हैं ना, जिम जा रहे हैं ताकि लड़की हम पे मरे। मैं कहता हूँ जेब दिखाओ अपनी, कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। पैसे हैं, इतनी बड़ी तोंद भी होगी ना निकली भी, लड़कियां मरेंगी। ये बात 16-18 साल की खूबसूरत लड़कियों की शादी हो रही है अजीब टेढ़-मेढ़े किस्म के आदमियों से। जब आपके पास रोकड़ा आना शुरू होगा तो रिश्ते खुद बखुद आना शुरू हो जाएंगे। सरकारी नौकरी की वैल्यू इतनी क्यों है? वही है ना, इब्तदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। बुबा ज़ियारत करा नहीं रही, करा रही है तो आधा। वो बाज़ औरतें अपने शौहर से एग्रीमेंट लेती हैं कि अगर मैं मर गई तो आप शादी करेंगे, तो आप उसको अभी ना बताएं कि करूंगा वरना मर जाएगी वो। आप उसको टोपी करा दें। बोले तुम ये बोल, देखो ख्वातीन बहुत होशियार होती हैं, यही बात अगर शोहर करे ना कि बेगम अगर मैं मर गया तो तुम शादी तो नहीं करोगी, तो तोबा तोबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं क्यों मरने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह मेरे बच्चों के बाप का साया उन पर तादेर कायम रखे। हम नहीं देंगे, भूल जाओ। ठीक है ना, ऐसी बात तो आप भी ऐसे ही किया करें। बीवी जब कहे अगर मैं मर गई तो आप शादी करेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। बेगम क्या बातें कर रही हो तुम, आइंदा ये मौत का लफ्ज जबान पे नहीं लेके, और दिल में नियत करें तू मर के देख। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें चाय भापे, अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे ना के नुक्स ढूंढने मुझ में आके पॉलिटिक्स करें फिर हिला डाला। वैसे भाई देखे ना, जितनी भी वीडियो देखे ना हमने इससे पहले भी, हमने पार्ट टू और पार्ट थ्री पे कंपाइलेशन पे थग लाइफ पे वीडियो बना रखी है। मतलब ये ऐसे बातें बोलते हैं यार, मतलब सुनते इतनी हंसी छूटती है, इतनी हंसी छूटती है पूछो मत। नहीं दादा देखा था, जो भी अपनी स्पीच बोलते हैं ना, तो स्पीच यूं नहीं सोचते कि स्पीच सोचते बंदा सो जाता है, नहीं जाता। हाँ। उसमें ऐसा पॉइंट डाल देते हैं जो उड़ते ही धमाका बम। हाँ। सा नहीं फोड़ता, मजा आ जाता सुन के। हाँ मतलब जब भी इनकी स्पीच सुनते तो मतलब ये नहीं मतलब कि भाई उदासी नींद आ रही हो, मतलब ये एक्टिव सही रहता, मतलब मन करता भाई इनकी बातों को सुने। और वो पॉइंट भी ऐसे होते हैं जो लॉजिक होता है, वो कीड़े वाला पॉइंट तो मतलब कि जबरदस्त सही कर भाई, तो कीड़े उसमें कूद देते पेट पर चढ़ा था, वही नंबर पॉइंट। हाँ वैसे देखा जाए तो जो तारिक मसूद जी हैं, मतलब इनमें ये मतलब जो क्वालिटी है ना, मतलब जो खासियत है इनमें, मतलब एक तो मतलब जो बात बोलते हैं ना ऐसे बोलते हैं, मतलब दूसरे वाले को इंटरेस्ट होता है सुनने में कि क्या बोल रहे हैं। ये नहीं होता है बंदा कोई सुना रहा समझ आने में। हाँ। इनकी जो ये सुनाने का तरीका है ना भाई, एक नंबर का, एक नंबर का। हाँ, आपने कितने भी जितने भी रिएक्शन कर रखे हो, मतलब हमें मतलब बेस्ट
पार्ट जो होता है ना मतलब वीडियो का, में यही होता है कि जब कोई पॉइंट मारता और हम हंसते हैं, मतलब इतने मजा आता हमें वीडियो में, पूछो मत। मजा आता है इनकी वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगता है देख के। वैसे दोस्तों ये थी ओवरऑल वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते।